सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बायटेक। तो आज हम बात करने वाले हैं गोरिल्ला ग्लास के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा, आपके फोन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, 4, 5, ये सब आप सुनते हो, 6, और अब तो आ गया विक्टस। तो यहाँ पर हम गोरिल्ला ग्लास विक्टस के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी हम कोई भी फोन परचेज करने जाते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमने फोन परचेज कर लिया, उसके बाद हम सोचते हैं चलो अब यहाँ पर इसे अगर टूटे ना तो हम उसके ऊपर चढ़ाते हैं टेम्पर ग्लास। सबसे पहले प्रोटेक्शन की बात होती है, यहाँ पर टेम्पर ग्लास चढ़ा दिया, पर उसके पहले से भी वहां पर एक ग्लास चढ़ा होता है जिसे हम बोलते हैं गोरिल्ला ग्लास। और जनरली आपको जितने भी अच्छे फोन होते हैं उन सब में गोरिल्ला ग्लास देखने को मिल जाता है, और शायद ही मार्केट में थोड़े बहुत ऐसे फोन होंगे जिनमें गोरिल्ला ग्लास देखने को नहीं मिलता। अदरवाइज तो आपको लगभग सारे फोन में गोरिल्ला ग्लास देखने को आसानी से मिल जाएगा। तो ये ग्लास इतना टफ कैसे होता है कि ये आपके फोन को स्क्रैच से भी बचा देता है, गिरने से भी बचा देता है, बट है तो वो ग्लास ही। जैसे अब जेनेरिक हमेशा बोलते हैं ग्लास इज ऑलवेज ग्लास, वो टूटेगा तो पक्का, तो कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखनी है। तो अगर एक एस्टिमेट की बात करें तो हम पूरे दिन में 1000 बार ग्लास को टच करते हैं, अब चाहे वो हमारे मोबाइल की स्क्रीन हो, लैपटॉप की स्क्रीन हो, या किसी की भी चीज़ की स्क्रीन हो। और जनरली किसी भी ग्लास का क्या काम होता है, अगर मैं बात करूँ प्रोटेक्शन की वहाँ पर, तो उसका काम होता है आपके फ़ोन को स्क्रैच से बचाना, और अगर वो कभी भी सडनली गलती से अगर आपके हाथ से गिर जाता है तो उसे टूटने से बचाना, यानी आपकी स्क्रीन को वो टूटने नहीं देता। तो यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास कैसे काम करता है, अगर यहाँ पर बात करें तो कंपनी ने जो क्लेम किया है, गोरिल्ला ग्लास 3 तक वो फोकस करते थे कि आपके फ़ोन के ऊपर स्क्रैच ना लगे, यानी उन्होंने गोरिल्ला ग्लास 3 तक फोकस किया कि आपके जो ग्लास है उनका उसे स्क्रैच रेजिस्टेंस बनाया जाए, जितना कम स्क्रैच लगे उतना कम बनाया जाए। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने और सर्वे किया तो वहाँ पर पता चला लोगों को सिर्फ स्क्रैच नहीं, लोगों को ड्यूरेबल भी चाहिए, यानी जब फ़ोन गिरे तो वो टूटे ना। तो फिर 4, 5, 6 के अंदर, यानी गोरिल्ला ग्लास 4, गोरिल्ला ग्लास 5, गोरिल्ला ग्लास 6 के अंदर उन्होंने काम किया कि अब वहाँ पर उन्होंने ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव करी उसकी, यानी अगर वो आपके हाथ से गिरता है तो वो टूटेगा नहीं, जैसा कि आपको देखने को मिलता है अगर जिसके मोबाइल में गोरिल्ला ग्लास 5 या 6 की प्रोटेक्शन है उसने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस करी होगी। इवन दो मेरा फोन खुद 3-4 बार मेरे हाथ से गिर चुका है और अच्छी खासी हाइट से गिर चुका है, बट स्टिल वो टूटता नहीं है। अब मैं नहीं चाहता वो टूटे भी, बट अभी अच्छी बात है नहीं टूटा और शुक्र है गोरिल्ला ग्लास का। बट यहाँ पर बात आती है अब ये टेक्नोलॉजी कितनी आगे ले जाएंगी, तो यहाँ पर वो लेके आए गोरिल्ला ग्लास विक्टस। विक्टस ने क्या है, विक्टस ने इन्होंने दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ भी देखी कि यहाँ पर स्क्रैचेस भी ना लगे, और दूसरे साथ ही यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ भी देखी कि यहाँ पर ड्रॉप करने पर वो टूटे भी ना, यानी उसके ड्यूरेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया गया। बट इससे पहले एक और चीज़ यहाँ पर और होती है कि अब क्योंकि यहाँ पर दोनों स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आ गई, दोनों फीचर यहाँ पर जुड़ गए, तो यानी प्राइस भी बढ़ेगा। बट यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा, कॉर्निंग ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि प्राइस अप ना हो, यानी यहाँ पर आपको इसका ज़्यादा प्राइस देखने को नहीं मिलता। जितना गोरिल्ला ग्लास 6 का प्राइस है उतना ही प्राइस आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस का देखने को मिल जाता है। और आपको पता ही है अब इसको गोरिल्ला ग्लास को बनाने वाली कंपनी कौन सी, कॉर्निंग है। अब अगर एक कंपैरिजन करें गोरिल्ला ग्लास 6 का और विक्टस का, तो देखते हैं यहाँ पर कहाँ स्टैंड करता है। अगर यहाँ पर हम बात करें इसके ड्यूरेबिलिटी की, यानी कितनी ऊपर से गिराने पे ये टूटेगा, तो कंपनी ऐसा क्लेम करती है अगर मैं इसे 2 मीटर की हाइट से भी गिराऊंगा तो ये नहीं टूटेगा। और अगर बात करूँ इसके प्रेडिसेसर की, यानी गोरिल्ला ग्लास 6 की, तो गोरिल्ला ग्लास 6 से इसके अंदर 25% इंप्रूवमेंट करी गई है। और अगर बाकी अदर कॉम्पिटिशन से बात करूँ तो कंपनी क्लेम करती है बाकी अपने कॉम्पिटिशन से दुगना आगे है, यानी 2 times बेटर है। और अगर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हम इसके प्राइस को कंपेयर करें गोरिल्ला ग्लास 6 से, तो लगभग इनका प्राइस आपको दोनों में ही सेम देखने को मिल जाता है। और विक्टस के अंदर कंपनी ने डायमंड टेस्ट भी करके देखा हुआ है। और जब बात आती है अपने ग्लास को कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए जो इनका प्रोसेस है, ये लोग अपने ग्लास को 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म करते हैं, और फिर उसके बाद जिस तरह किसी भी खाने को बनाने की एक रेसिपी होती है, यहाँ पर ग्लास को बनाने की एक रेसिपी होती है, यानी सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी हमें यहाँ पर चीज़ें चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, उन सबको एक प्रॉपर अमाउंट में मिक्स किया जाता है, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है, जिससे इतना अच्छा ग्लास बना पाते हैं। और प्रोटेक्टिव ग्लास की जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत बड़ी है, और आप यकीन मानो और ये बढ़ती ही जा रही है, ये अभी बिलियंस की इंडस्ट्री है। और जैसे जैसे और लोगों के हाथ में मोबाइल आते जाएंगे ये इंडस्ट्री और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, और आप देखोगे कि जो कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास है वो तो रूल करता ही है, और जितने भी एक्सपेंसिव फ़ोन होते हैं उन सब के अंदर आपको कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास आराम से देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा आपको उसके अंदर कोई भी ग्लास देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास की पूरी कहानी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, और अगर अभी तक आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो, तो बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।
क्या?